नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल हिंदी न्यूज। दोस्तों, अरमान के कारण याद आए सलमान। जब ऐश्वर्या ने कहा था सलमान मुझसे मारपीट करता है, एक्टर अरमान कोहली पर गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा ने मारपीट का आरोप लगाया है। उनके खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज की गई है। फिलहाल अरमान फरार है। अरमान ही नहीं, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जो अपने वायलेंट बिहेवियर के लिए जाने हैं। ऐसे ही एक एक्टर है सलमान खान। सलमान खान और ऐश्वर्या राय के अफेयर की खबरें जग जाहिर है, लेकिन सलमान के बिहेवियर की वजह से ये रिश्ता टूट गया। ऐश्वर्या ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि सलमान उनके साथ मारपीट करते थे। हम दिल दे चुके सनम सर, शुरू हुई थी लव स्टोरी। दोनों ने पहली बार फिल्म हम दिल दे चुके सनम 1999 में साथ काम किया था और इसी फिल्म के सेट पर उनका अफेयर भी शुरू हुआ था। एक से दो साल दोनों के रिश्ते अच्छे, लेकिन फिर सलमान के ऑब्सेसिव पागलपन बिहेवियर की वजह से ब्रेकअप हो गया। दरअसल सलमान कई बार आधी रात को ही ऐश्वर्या के घर पहुंचकर उनका दरवाजा पीटने लगते थे। एक बार तो सलमान रात को ऐश्वर्या के घर पहुंच गए और उनका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। यहां तक कि वो रात 3 बजे तक दरवाजा पीटते रहे और उनका हाथ भी जख्मी हो गया। सलमान ने गुस्से में बिल्डिंग से कूदने की धमकी भी दी थी। सलमान ने ये सब इसलिए किया था, वे चाहते थे कि उनसे शादी का वादा करे। बाद में सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे ऐश को खोना नहीं चाहते थे और इसी डर की वजह से वे इतने वायलेंट हो जाते थे। ऐश्वर्या राय ने खुद दावा किया था कि उनके और सलमान के एकअप की सबसे बड़ी वजह उनका वायलेंट बिहेवियर और फिजिकल अब्यूज था। ऐश्वर्या के मुताबिक, हमारा ब्रेकअप होने के बाद सलमान ने मुझे फोन कर बेवकूफी भरी बातें की। इतना ही नहीं, वो मेरे को स्टार्स के साथ अफेयर को लेकर भी मुझ पर शक करता था। मैं उस वक्त अभिषेक बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक हर बड़े एक्टर के साथ काम कर रही थी। यहाँ तक कि सलमान ने कई बार मेरे साथ मारपीट की, बावजूद इसके मैं काम पर ऐसे जाती थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। सलमान का अल्कोहलिक बिहेवियर। एक फेमस अखबार को दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने बताया था, मैं सलमान के शराब पीने की आदत और उसके बाद किए जाने वाले मिसबिहेवियर से तंग आ गई थी। वो मेरे सा वर्बल, फिजिकल और इमोशनल अब्यूज करता था। कई बार तो वो मेरे मान सम्मान और गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली बातें भी करता था। कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग वुमन इस तरह की बात सहन नहीं कर सकती। यही वजह थी कि मैंने सलमान के साथ रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। धन्यवाद।